मैं हूं यशकरण। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो, यूडीएम पार्ट थ्री। यूडीएम का मतलब है यूजर डिपो मॉड्यूल। यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट में जितने भी मटेरियल की ट्रांजैक्शन है यूजर एंड पे, वो सारी की सारी ऑनलाइन हो जाएंगी, कंप्यूटराइज हो जाएंगी, जिससे मटेरियल मैनेजमेंट का सारा काम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैंने यूडीएम पार्ट वन में मैंने बताया था कि यूडीएम एप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाई गई है, कब लॉन्च की गई थी, किसने लॉन्च की है, और यूडीएम एप्लीकेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं, और यूडीएम के जो यूज़र हैं उसको कौन क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये मैंने सारा कुछ यूडीएम एप्लीकेशन की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिस जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूडीएम एप्लीकेशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे यूडीएम के यूज़र जो तो यूडीएम के यूज़र बनाने का जो काम है वो एडमिन का होता है, जो कम से कम JAG ग्रेड के ऑफिसर होते हैं। तो यूज़र बनने के बाद जो काम शुरू होता है यूज़र का शुरू होता है। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अब यूज़र ने क्या करना है। तो सबसे पहले वेबसाइट को विज़िट करना है। वेबसाइट कौन सी है? irepsgovin। तो जब हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे पास ये इसका डैशबोर्ड खुल गया है IREPS का। तो यहाँ पे जो लॉगिन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे न्यू, इसको हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम न्यू IMS को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो खुल जाती है जिसमें हमने अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। कैसे ऑथेंटिकेट करना है? यहाँ पे दो बॉक्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम हमने अपना डालना है। यूज़र नेम कौन सा? जो हमने एडमिन साहब को यूज़र बनाने के लिए ईमेल आईडी दिया था वही हमारा यूज़र नेम है, लेकिन अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू रीसेट पासवर्ड यूजिंग DSC। तो हमने अपनी DSC को यूज़ करके अपना पासवर्ड खुद क्रिएट करना है। ये काम हमारा यूज़र का है, ये एडमिन का नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम डालेंगे जो हमने ईमेल आईडी एडमिन साहब को दिया था यूजर क्रिएट करने के लिए। यूजर नेम डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई, चेंज लॉगिन पासवर्ड। अब हमने यहाँ पे अपना मनपसंद का अपनी मर्जी से पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पे हम कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद साइन एंड सबमिट करना है। तो साइन एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इस विंडो से हमने अपना DSC सर्टिफिकेट वो सेलेक्ट करना है। ये हमने अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने यूजर पिन जो हमें पता है वो हमने डालना है।
यूजर पिन डालने के बाद लॉगिन किया और हमारा पासवर्ड सेट हो जाता है। पासवर्ड सेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेजर क्रिएट करना, क्योंकि जितने भी रिसीट और इशू की जितने भी मटेरियल की ट्रांजैक्शन होती है हम वो सारी अपनी लेजर में मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो थी मैनुअल लेजर थी, तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक लेजर खोलनी है। तो जैसे कि मैनुअल लेजर में एक लेजर में कई तरह के फोलियो होते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी फोलियो बनाएंगे और फोलियो में एक फोलियो में कई तरह की आइटमें हम रख सकते हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होती है और उसमें सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है DMTR। DMTR का मतलब है डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो लेकिन क्योंकि अभी हम नए यूज़र हैं तो अभी हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी, तो इसीलिए हम इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं और आगे चलते हैं लेजर की तरफ कि लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, लेजर को क्लिक करना है। लेजर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट विंडो खुल जाती है जिसमें ऊपर लिखा हुआ लेजर्स फोलियो आइटम्स। तो इस विंडो में हम देख रहे हैं कि समरी ऑफ लेजर्स मेंटेन्ड, यानी कि जो भी हमने आज तक लेजर बनाई है वो इस विंडो में हमें नज़र आएंगी। लेकिन क्योंकि अभी हमने कोई लेजर नहीं बनाई तो अभी हमें ये जो आपको नज़र आ रही है इस विंडो में, आपको जब पहली बार लेजर बनाएंगे तो आपको ये विंडो खाली नज़र आएगी। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेजर बनाने के लिए हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ क्रिएट न्यू लेजर, तो क्रिएट न्यू लेजर पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट विंडो आ जाती है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, लेजर नंबर, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते समय हम अपना लेजर नंबर रख सकते हैं, 01 रख सकते हैं, 001 रख सकते हैं। तो हम इस कॉलम में, इस बॉक्स में हम 001 पुट कर देंगे और नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे लेजर का नाम। तो लेजर का नाम हम कोई भी दे सकते हैं, कोई सिमिलर टाइप के मटेरियल है, हम एक लेजर बनाना चाहते हैं किसी सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल के, जैसे मान लो हम पेंट्स के एक लेजर बनाना चाहते हैं, तो पेंट वाले जो जितने भी मटेरियल है हम उस लेजर वन में रखेंगे, 01 में या 001 में। तो यहाँ पे हम रख देते हैं हम लिख देते हैं लेजर नेम पेंट्स। तो पेंट लिखने के बाद अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास इस विंडो में देखते हैं कि जो हमने लेजर खोली है 001 पेंट्स के लिए, वो हमारे इस विंडो में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें लगता है कि इस लेजर का नाम हमने जो रखा है पेंट्स, तो इसको हमने चेंज करना है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो पेन का जो एक्शन वाले कॉलम में जो पेन बना हुआ है, ये पेंसिल बनी हुई है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर दोबारा से वही विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे हमने लेजर क्रिएट की थी। तो वहाँ पे हम 001 पुट करेंगे, तो वहाँ पे हम 001 पुट करेंगे लेजर वाले बॉक्स में, तो हमारे पास लेजर नेम वाले बॉक्स में लिखा आ जाएगा पेंट्स। अब हम उसको चेंज करके अपना दूसरा नाम लिख सकते हैं, और दूसरा नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, तो हमारी लेजर अपडेट हो जाती है और वही पुराने वाली विंडो जो समरी वाली विंडो वो हमारे पास खुल जाती है।
अभी हमारी लेजर अपडेट हो चुकी है, उसका नाम अपडेट हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोलियो क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो टैब बने हैं लेजर के पास, जो टैब बना है फोलियो, तो फोलियो पे हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास दोबारा जो विंडो खुल जाती है उसमें लेजर नंबर लिखा हुआ होता है, उसको हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी लेजर बनी है वो सारी उस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी और जिस लेजर का हमने फोलियो बनाना है उस लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। और हमने 001 बनाई थी तो 001 को हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आगे लेजर फोलियो नेम है, उसके ठीक आगे लेजर फोलियो नेम का बॉक्स बना हुआ है, हमने वहाँ पे लेजर का फोलियो नेम लिख देना है। तो फोलियो लिखने के बाद, फोलियो नेम लिखने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा अब फोलियो बन जाता है, लेजर का नेम बन गया, लेजर का फोलियो नेम बन गया। अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं फोलियो नेम को भी। तो उसको करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, जो पेंसिल का निशान है हम वहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे ही दोबारा हमारे पास जो विंडो ओपन हो जाएगी वहाँ पे पहले लेजर नंबर सेलेक्ट करना है और फिर उसके आगे जो वाला कॉलम है वहाँ पे जो हमने फोलियो बनाया है, लेजर फोलियो नेम बनाया है, उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद उसको उसमें कुछ एडिट करना है, तो उसको एडिट करने के बाद हम उसको अपडेट कर देते हैं तो हमारा फोलियो भी बन जाता है। तो लेजर बन गया, लेजर के बाद हमारा फोलियो बन गया, फोलियो के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइटम। अभी हमने उस फोलियो में आइटम क्रिएट करनी है, आइटम फोलियो के बाद अब हमने उस फोलियो में आइटम क्रिएट करनी है। तो आइटम के लिए यहाँ पे हम आइटम टैब पे जाना पड़ेगा, आइटम टैब को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। तो इस विंडो में हम देखते हैं, सबसे पहले ये रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे लिखा हुआ है, फिर डिपार्टमेंट है, अपना डिपार्टमेंट हम इसमें फिल करते हैं, फिर यूज़र डिपो है वो फिल करते हैं, सब डिपो जो है वो भी हम फिल करते हैं, फिर लेजर जो हमने बनाई है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा और वो अपनी लेजर सेलेक्ट करनी है। मान लो हमने 001 बनाई थी तो 001 हमने लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आगे उसका फोलियो सेलेक्ट करना है। फोलियो सेलेक्ट करने के बाद तो थर्ड बॉक्स में लिखा हुआ है वेदर स्टॉक नॉन स्टॉक, अभी हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम या नॉन स्टॉक आइटम सेलेक्ट करनी है। अगर स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे हमने देख रहे हैं कि आइटम पीएल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम या तो पीएल नंबर डालेंगे या उस आइटम की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो हमारे पास उस पीएल की पूरी डिटेल आ जाएगी, अगर हम पीएल डालते हैं तो पूरी डिटेल आ जाएगी, अगर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो हमारे पास उस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारी आइटमें आ जाएंगी। तो जो हमें आइटम क्रिएट करनी है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे आइटम टाइप वो जरूर लिखना है, आइटम टाइप में क्या लिखना है, वाइटल है या सेफ्टी है या ऑर्डिनरी है, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइटम यूजेस कि इसका यूजेस क्या है वो भी हमने इसमें लिखना है। ऐसे ही डज आइटम हैज सेल्फ लाइफ,
जिस आइटम की शेल्फ लाइफ है, तो यहाँ पे यस और नो की ऑप्शन आएगी, तो हमको अगर शेल्फ लाइफ है तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। अगर शेल्फ लाइफ हम यस करते हैं तो नेक्स्ट वाले कॉलम में उसकी लाइफ कितनी है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, जो भी है हमने इसमें उसका टाइम पीरियड लिख देना है इन मंथ। नेक्स्ट वाले कॉलम में पीएसी आइटम है, अगर पीएसी आइटम है तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर यस करेंगे तो आगे जो कॉलम खुलेगा उसमें हम फर्म का नाम भी दे सकते हैं कि सिर्फ ये आइटम इस फर्म से ही मिलेगी। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में इनिशियल स्टॉक, तो यहाँ पे हम जो भी हमारे पास मैनुअल लेदर बनी है उसमें से हम स्टॉक उठाएंगे और इस बॉक्स में पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है कि जो जिस भी लेदर से हमने मैनुअल लेदर से स्टॉक उठाया है उस लेदर को संभाल के रखना है। कब तक संभाल के रखना है? जब तक उसको स्टॉक वेरीफायर अगर देखना चाहे, टैली करना चाहे तो टैली करे, या हमारा कोई भी सीनियर ऑफिसर देखना चाहे तो वो उस लेजर को देख सकता है, उस लेजर को संभाल के रखना पड़ेगा और उसको स्टॉक वेरीफायर से वेरिफिकेशन भी करवा लेनी चाहिए, उसके साइन करवा लेने चाहिए। उसके बाद हमने आइटम का यूनिट है, यूनिट लिखना है, फिर मेक ब्रांड लिखना है, वो आइटम जो है वो किस मेक की है, किस ब्रांड की बनी हुई है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर क्या है, फिर एएसी कितनी है वो लिखना है, थ्रेशोल्ड यूनिट, थ्रेशहोल्ड लिमिट लिखनी है कि हमें हमारी इस प्रोडक्ट की, इस आइटम की थ्रेशहोल्ड लिमिट इतनी है, हम 2 महीने या 3 महीने की इसमें लिमिट रख सकते हैं, ताकि जब दो महीने की अगर हमने रखी तो 2 महीने का जब स्टॉक रह जाए तो हमें एकदम से पता चल जाए कि अभी हमने इस आइटम के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए या जहाँ से भी मिलती है, स्टोर से मिलती है, स्टोर से लेनी है, या इसकी जो डिमांड का प्रोसेस करना है हम शुरू कर सकते हैं। तो आगे वाले बॉक्स में एवरेज रेट, बुक रेट लिखना बहुत जरूरी है। फिर उस आइटम की अगर कोई एक्सपायरी डेट है या वारंटी पीरियड है तो वहां या इस बॉक्स में लिखेंगे। फिर हमारे पास ये आइटम कब रिसीट हुई थी, इस कॉलम में, इस बॉक्स में लिखेंगे। तो लास्ट इशू कब का है वो लिखेंगे, फिर लास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन कब हुई थी वो लिखेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन किस टाइप की हुई थी, डिपार्टमेंटल टाइप की हुई थी या अकाउंट्स स्टॉक वेरिफिकेशन हुई थी। तो ये सारे कॉलम फिल करने के बाद हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास ये मैसेज आ जाता है, लेजर फोलियो आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम व्यू लेजर पे हम जाके उसको हम देख भी सकते हैं। अभी जब तक हमने कोई इसमें और ट्रांजेक्शन नहीं की तो उससे पहले पहले हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब हमने पूरा कंप्लीट लेजर बना लिया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लेजर बनाया है और उसके बाद उसमें फोलियो बनाए हैं, फोलियो के बाद उसमें आइटम बनाई है। तो अब हमारा पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हम और भी लेजर बना सकते हैं, जितनी लेजर हम बनाते जाएंगे हमारी इस समरी में ऐड होती जाएंगी। उस लेजर का नाम, उस लेजर के कितने फोलियो हमने बनाए हैं, उस फोलियो में कितने आइटम हमने रखे हैं और उनकी कितनी वैल्यू है, ये सारी की सारी समरी हमारे पास इस विंडो में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ और उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आप कृपया साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।